वडोदरा में शराब के नशे में धुत एक महिला ने बवाल काटा तो उधर अरावली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने शराब से भरा हुआ एक कंटेनर ही पकड़ा है जिसमें शराब की करीब 800 बॉटल्स बरामद की गई हैं। शुरुआती जांच में पकड़ी गई शराब की कीमत 50 लाख के आसपास बताई गई थी। पुलिस ने हरियाणा नंबर कंटेनर को भी जब्त कर लिया और ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर पुलिस ने चेकिंग भी बढ़ा दी है। और अब खबर राजनीति की। अडानी पावर लिमिटेड को अधिक भुगतान के आरोपों पर गुजरात की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप यह लगाया है कि अडानी पावर लिमिटेड को बिजली समझौते के तहत 3,900 करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान किए गए हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि अडानी पावर ने इंडोनेशिया से आयातित कोयले की कीमत अधिक दिखाकर ज्यादा भाव वसूल कर लिए हैं, जबकि आयातित कोयले की कीमत उस वक्त काफी कम थी। कांग्रेस का दावा यह भी है कि इस मामले में गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने अडानी पावर को पैसे की रिकवरी के लिए नोटिस भेजा है। वहीं शक्ति सिंह गोहिल के आरोपों पर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने पलटवार किया है। उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो भुगतान किया गया है वो अंतरिम है, अंतिम नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 रुपये गैस नो बाटलो सरकारे आपवानुं शुरू कर्युं, मोंघवारी में राहत आपवानुं शुरू कर्युं। आ कांग्रेस की सरकार है। बीजी तरफ मैं गई काले ज एक दाखलो आप 3,900 करोड़ मान्यता उद्योगपति ने गैरकायदेसर अपाय अने गुजराती ऊपर एनु भारण पड़े, मोंघवारी वधे, इलेक्ट्रिसिटी मोंघी थाय, आ परिस्थिति छे। आमा कोई पण प्रकारनुं कौभांड नथी अने कौभांड आ सरकार करवामां पण मानती नथी। सतत आटला वर्षो सुधी एक पण आक्षेप नथी लगावी शक्या, अने आक्षेप लगाव्यो होय तो क्यारे ये पुरवार नथी करी शक्या। अने भूतकाळ मां केन्द्रनी कोंग्रेसनी सरकारे सरकारो उपर जे आक्षेपो लाग्या ए पुरवार थयेला आक्षेपोनी वात छे। एटले गुजरातनी अंदर वारंवार शक्तिभाई होय के कोंग्रेसना बीजा कोई पण आगेवानो जे रीते आक्षेपो करता होय क्यारे वजूद रह्यु नथी। बिलकुल ખોટી રીતે વાત મૂકી દેવાની, પછી ચાલતી રહે, પત્રકારો પણ મંમળાવે, લોકો પણ મંમળાવે, એ પ્રકારની રાજનીતિ વર્ષોથી રહી છે। 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे गुजरात में विपक्ष की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस जनसंवाद यात्रा निकालकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश में है, तो आम आदमी पार्टी ने रक्षाबंधन से पहले रक्षा सूत्र का फॉर्मूला अपनाया है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों शिकस्त झेलने के बाद बीजेपी को पटकनी देने के लिए अलग अलग पैंतरों पर काम कर रही है। ये दो तस्वीरें विपक्ष की उसी प्लानिंग का हिस्सा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए आज से जनसंवाद यात्रा की शुरुआत कर दी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने के लिए रक्षा सूत्र वाला फार्मूला अपनाया है। ये खेड़ा की तस्वीरें हैं जहां से प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जनसंवाद यात्रा का आगाज किया है। ये जनसंवाद यात्रा के जरिए कांग्रेस गुजरात के सभी जिलों का दौरा करेगी और जनता के मुद्दों को उठाकर लोगों का भरोसा जीतने के लिए कोशिश करेगी। आज ये परिस्थिति ऊंधी थी गई है। लोगों कहे छे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार छे, रस्ता उत्तम छे, अने यहां तो ब्रिज ना उद्घाटन थाय ए पहला ब्रिज तूटे। केटलाक रस्ताओ वर्षो थी जे एमना आम ज रजड़ता रहे छे, बनेलो नवो रस्तो एमां खाड़ा पड़े छे। नुं कारण ए छे के जे मार्ग ने मकान विभागना कामों छे एमां जे हप्ताओनी सिस्टम छे, पैसाओ खवाय छे, एना कारणे आखरे तो काम नबळुं थवानुं। कॉन्ट्राक्टर क्यांय पोताना घरनुं तो क्यांय धन संग्रहमां भाजपने पैसा नथी आपतो। कॉन्ट्रेक्टर जे पैसा आपे छे ए काढवा पड़े छे एमणे ए ज बिलोमांथी, अने एटला ज माटे मुश्केली लोकोने पड़ी रही छे। चूंटणी वखते तो कहेता हता बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अने आवी रीते लोगों ने मोंघवारी ना नामे वातो करीने मतो लीधा पछी आज सौथी वधारे मोंघवारी नो भोग कोई बनतु होय तो अपना देशवासी, अपना गुजरात ना लोको ए मोंघवारी नो भोग बने छे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार छे, 500 रुपये गैस नो बाटलो सरकारे आपवानुं शुरू कर्युं, मोंघवारी में राहत आपवानुं शुरू कर्युं। उधर गुजरात में महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी की महिला प्रमुख रेशमा पटेल ने रक्षा सूत्र अभियान की शुरुआत की है। रेशमा पटेल ने गुजरात के सभी 156 विधायकों को राखी भेजकर महंगाई कम करने का आवेदन दिया है। रेशमा पटेल का कहना है कि जैसे मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं,
ऐसे ही गुजरात में भी सभी को सम्मान राशि दी जानी चाहिए। रक्षाबंधन नो पवित्र त्यौहार छे એટલે એટલા માટે અમે ગુજરાત ની બહેનો માટે ભેટ માંગી રહ્યા છીએ અને આ રક્ષા સૂત્ર સાથે આવેદન કરીશું કે જે બેરી સરકાર છે એના કાન ખોલે અને વિધાનસભા ગૃહમાં પણ આ અવાજ ઉઠવો જોઈએ અને સાથે સાથે મધ્યપ્રદેશમાં જે રીતે 1000 રૂપિયા મળી રહ્યા છે એ જ ભાજપ સરકાર ગુજરાતમાં 1000 રૂપિયા આપે અને બહેનોને આ ભેટ આપે રક્ષાબંધન ની આશા સાથે દરેકે દરેક ધારાસભ્યોને રક્ષા સૂત્ર સાથે અમે આમ આદમી પાર્ટીનો મહિલા મોરચો આવેદન પત્ર नजदीक है। ऐसे में हर एक पार्टी जनता का भरोसा जीतना चाहती है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है और नेताओं को अच्छे से पहचानती है। खेड़ा से हिताली शाह और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर और नगर हवेली भी शामिल हैं। इस बैठक में बुनियादी ढांचे, अपराध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई और इस बारे में ठोस उपाय करने की बात भी कही गई। इस बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा मुख्य सचिव और अन्य आलाधिकारी भी शामिल हुए। गुजरात में मानहानि केस के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। इस केस में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को समन जारी कर दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। अहमदाबाद के बिजनेसमैन हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि साबित करने के लिए बयान की सीडी भी दी है, साथ ही 15 गवाह भी पेश किए हैं और उनका कहना यह है कि इससे पूरे गुजरात को बेइज्जत किया गया है।